वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे गिवअवेज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो यहाँ पे जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आप सभी कार्ड्स खेलते हैं, बचपन से कार्ड्स खेलते आए, ताश पत्ते बोलते हैं जिसको, लेकिन क्या आपको पता है कि कार्ड्स जो कि हम खेलते हैं वो एक्चुअली एक कैलेंडर से रिलेटेड है, जो कि हम आज की तारीख में फॉलो करते हैं उस कैलेंडर से रिलेटेड है। जी हाँ, तो इसी के साथ मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कार्ड्स खेलते हो, अगर आप कार्ड्स को खेलना पसंद करते हो। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि एवरी ईयर 52 वीक्स आते हैं, तो 52 वीक्स को कंसिडर करते हैं हमारा 52 कार्ड्स जो कि हम देखते हैं। अब हर साल में 4 सीज़न आती है, इसी के साथ हर सीज़न में 13 सप्ताह होते हैं, तो 13 सप्ताह को ध्यान में लेते हुए हर सूट में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 13 पत्ते। अब साल में होते हैं 12 महीने, और इस हिसाब से हमारे पास कार्ड में भी होते हैं 12 कोर्ट कार्ड, यानी कि अब ले लो तो चेहरे वाले लोग जैक और प्रत्येक सूट में रानी और राजा, ऐसे करके होते हैं पूरे 12 कोर्ट कार्ड। जो रेड कार्ड होते हैं वो दिन का प्रतिनिधित्व रखते हैं, और जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो रात का प्रतिनिधित्व रखते हैं। यदि आप कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो 11th पे आता है जैक, 12th पे आती है क्वींस, और 13th पे आता है किंग। तो इसके साथ अगर सबको हम ऐड करते हुए 1+2+3+4 को ले जाते हुए 13 तक, तो हमें एक डिजिट मिलेगा 91। अब इस 91 को हम सबको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताश में 4 प्रकार के सूट होते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 × 4, यानी हमें मिलेंगे 364। तो अगर हम इसमें जोकर को ऐड करें तो हम पहुंचेंगे साल के 365 नंबर पे, यानी हम 364 को +1 जोकर के साथ ऐड करते हैं तो हमें साथ में मिलेगा 365 डेज, जो हर साल के टोटल डेज होते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 52 कार्ड्स कैसे बन सकते हैं। तो हमारे ताश के हर प्रकार में 13 कार्ड्स होते हैं, जैक किंग और क्वीन को मिला के। तो अगर हम 1 सेट लेकर 10 तक, और जैक किंग और क्वीन यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक क्वीन और किंग, इन तीनों को अगर हम हर एक अल्फ़ाबेट को ऐड करते हैं, यानी 1 का ओ एन ई यानी 3 अक्षर हुए, उसके बाद 2 का 3 अक्षर, ऐसा करके हम सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एक डिजिट, जो कि इन सब को समेशन में मिला के होंगे 52। आप अगर लॉजिकली देखें तो 52 कार्ड्स कैसे बने, हमारे कार्ड्स 52 ही क्यों हैं, अगर हम टोटल करते हैं इन सभी को तो भी उसकी डिजिट आएगी, वो होगी 52। जी हाँ, एक लॉजिक है, तो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब हर 4 टाइप्स में, जो 4 टाइप्स है, 4 सूट है हर एक ताश में, हर एक डेक में, उसका मतलब कुछ इस प्रकार से, जो कि अगर हम पहले बात करें तो हुकुम काम करने का और बढ़ने का संकेत देता है। अगर हम बात करते हैं क्लब की, वो हमें बढ़ते और विकास का संकेत देता है। अगर हम बात करते हैं बिल, जो कि हमें लव का संकेत देता है। अब जो चौथा जो है वो हमारा डायमंड, जो कि हमें धन काटने का संकेत देता है। इसके अलावा कहीं कहीं ताश के बंडल में 1 की जगह 2 झोकर होते हैं, तो उसका मतलब वो कंसिडर करते हैं लीप ईयर को, यानी कि लीप ईयर में हमें मिलते हैं साल में 366 डेज। तो उस हिसाब से अगर इसको देखते हुए अगर हम एक और झोकर को ऐड करें तो उसमें आपको लीप ईयर देखने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे, क्या ये संयोग हो सकता है या फिर सच में इसकी फिलोसॉफी है, सच में मैथमेटिशियंस फॉर्म से इस कार्ड को बनाया गया है। तो ये था हमारा आज का कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको जानने को मिला होगा कि ये कार्ड्स एक्चुअली में कैसे आए, और उसके पीछे जो लॉजिक था, उसके पीछे जो फैक्ट था, वो मैंने आपको बताया। तो बस यही था हमारा आज का एक था हमारा ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा अगर आपने पूरा देखा होगा तो। इसके साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कितने सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ये लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।